प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इस कड़ी में आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया में सुबह 10 बजे गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगेंगे। गया के चुनावी रैली में पीएम मोदी मगध की 4 लोकसभा सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के वोटरों को साधेंगे। गया में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्णिया की सभा को संबोधित करेंगे। पूर्णिया में पीएम मोदी एनडीए के प्रत्याशी और जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। पूर्णिया के इस सभा के लिए जरिए पीएम मोदी सीमांचल के अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर के वोटरों को संदेश देंगे। पीएम मोदी बिहार दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बालूरघाट सीट से पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मैदान में है। बालूरघाट में सभा के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के रायगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। रायगंज से बीजेपी के कार्तिक चंद्र पॉल उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला भी जारी है। आज गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे, तो जम्मू के परोड़ा में जनसभा को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। जम्मू में जुगल किशोर शर्मा के जीत के लिए वोट की अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू रियासी सीट के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है और इसी कड़ी में आज गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान भी संभालेंगे। अमित शाह गढ़वाल लोकसभा के कोटद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू और उत्तराखंड में रैली के बाद शाम करीब 6 बजे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। कमलनाथ के किले में सेंध की अंतिम रणनीति बनाएंगे। अमित शाह का रोड शो कमलनाथ के गेट, गोलगंज, छोटी बाजार, मेन रोड होते हुए बड़ी माता मंदिर जाएगी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार के कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करने वाले हैं। पहला रोड शो सुबह 10:30 बजे के करीब रामनाथपुरम में कृष्णा थिएटर से गांधी प्रतिमा तक रोड शो निकालेंगे, तो वहीं दोपहर 1 बजे के करीब तेनकासी में अजहर नगर में पुराना बस स्टैंड तक रोड शो होगा। उसके बाद शाम 4:10 पर करीब पेरम्बलूर में मुसिरी जंक्शन से परिसल थोराई रोड शो तक वो निकालेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 2 दिन रह गए। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार नाटौर में जाएंगे और अपनी 5वीं चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 1:30 बजे नगीना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे कैराना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में चौथी बार पहुंच रहे हैं। शाम करीब 4:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर शहर में रोड शो करेंगे। ये रोड शो पुराने शहर में अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर बाजार, मोरगंज चौक, फवारा, शहीदगंज, नेहरू मार्केट, घंटाघर होते हुए कोट रोड, सूफिया मार्केट के पास पहुंचकर खत्म होगा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा का बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा ममता ने बांग्लादेशियों के लिए खोले पश्चिम बंगाल के दरवाजे, लोकतंत्र का मतलब एंटी हिंदू नहीं है। ममता बनर्जी ने पूरा तो दरवाजा ही खोल दिया, बांग्लादेश से जितना लोग आना है आओ, डेमोक्रेसी मतलब एंटी हिंदू, ये है क्या? पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुले जीप में सवार होकर रोड शो किया। मुख्यमंत्री एन रंगासामी और पुडुचेरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार ए नमिस्वयम भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा उनके आधे नेता जेल में हैं, बाकी आधे लोग जमानत पर बाहर हैं। आप बताइए केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? ये आधे जेल में है, आधे बेल पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड, संकल्प पत्र और थर्ड टर्म के एजेंडे पर खुलकर बातचीत की। मोदी गारंटी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी काम पूरा करने की गारंटी है। गारंटी मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। धारा 370 ट्रिपल तलाक को हटाया, विपक्ष के बयानों में विरोधाभास है। प्राण जाए और वचन न जाए,
ये महान परंपरा से हम निकले हुए हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चल रहा है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत उन सभी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए राजनीतिक हथियार था, वोट बैंक की राजनीति के चलते वो इसमें शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि ये तो नामदार है, मैं तो कामदार हूं। हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी उस समय, अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई, क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। चुनावी चंदे को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव में काले धन पर रोक लगा, 2014 जब चुनाव होते थे तो उस समय खर्च की जानकारी सही से नहीं मिल पाते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से पहले भी कई बार सिस्टम परफेक्ट नहीं था, बॉन्ड से चंदे के सोर्स का पता चलता है, ईडी सही तरीके से काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला। एक देश एक चुनाव पर पीएम ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना उनकी पार्टी के घोषणा पत्र का प्रमुख वायदा रहा है, इसलिए इसे लागू करना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। देश में कई लोग हमारे साथ आए हैं, कई लोग ने समिति को अपने सुझाव भी दिए, बहुत सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव आए हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को लागू कर पाए तो देश को बहुत फायदा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं। ईवीएम को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हार के लिए लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं ताकि हार का दोष सीधे तौर पर उन्हें ना दिया जाए। और उसका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे कभी। मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर आपने पेंगुइन के अलग अलग मजेदार अंदाज तो कई बार देखे होंगे। एक बार फिर पेंगुइन का ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। देखिए क्या है वो वीडियो। नन्हे बच्चों को सुबह देख ले तो दिन अच्छा लगने लगता है। ये प्यारा सा वीडियो देखिए जो लगातार सोशल मीडिया पर लोग बार बार देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारे पेंगुइन्स दिख रहे होंगे, एक साथ शांति के साथ जाते हुए ये पेंगुइन्स किसी को भी पसंद आ जाए। लेकिन इनके बीच एक पेंगुइन इस भीड़ से निकलता है जिसके पीछे आपको एक बैग लटका हुआ दिख रहा होगा। ये वीडियो इतना प्यारा है कि लोग इसे दिन भर में कई बार पोस्ट कर रहे हैं। गार्डन में टहलने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, शायद एक या दो। लेकिन एक वीडियो अब सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है जो आपको गार्डन में घूमने का नया तरीका बता रहा है। देखिए ये क्या है वीडियो। क्या गार्डन जाते हैं? जाते ही होंगे, कभी टहलने, कभी किसी से मिलने या फिर खुद का तनाव कम करने के लिए। अक्सर लोग पैदल ही गार्डन में यात्रा करते हैं, लेकिन ये टेक्निक बहुत पुरानी है। जानते हैं क्यों? ऐसे ही वीडियो हमारे पास आया है जिसमें आपको ये लोग बैठकर हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं बल्कि इस झूले में आपको कार की तरह सीट बेल्ट भी मिलेगी जिसे आप लगाकर आगे का अनोखा सफर पूरा कर सकते हैं।
सड़क पर हादसों की कमी नहीं है, आए दिन अलग अलग तरह के हादसे हमने देखे हैं। कई बार तो चलती गाड़ी में भी आग लग जाती है, लेकिन क्या आपने करोड़ों की गाड़ी को किसी को फूंकते देखा है? नहीं ना, तो इस वीडियो में देखिए। पैसों का लेन देन कितने तरह का विवाद खड़ा करता है, ये तो शायद ही किसी से छुपा हुआ हो। पीली रंग की दिख रही है कार जलती हुई देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। हैदराबाद से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें पैसों का विवाद इतना बढ़ गया कि चलते हुए बीच सड़क 3 करोड़ की गाड़ी जला दी गई है।